अंशिका क्या खा रही है? ये मम्मा, आपने मंचूरियन बनाया था ना, उसको स्मैश कर दिया आपने, वो मंचूरियन राइस खा रही हूँ। कैसा है टेस्ट में, कैसा है? ठीक ठाक है। राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे बच्चे सोया चंक की सब्जी बिल्कुल भी खुश होके नहीं खाते, तो मेरी फ्रेंड ने बनाना सिखाया मुझे कि इसको किस तरह से टेस्टी बना सकते हैं, और बच्चे उंगलियां चाटते रह गए। तो सबसे पहले मैंने सोया चंक को जो अच्छे से वॉश करके एक सीटी लगवा ली थी, उसके बाद प्याज लहसुन और अदरक का जो है एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया था। टमाटो को जो है मैंने ग्रेट किया था, ग्राइंड नहीं किया था, और सोया चंक को जो है रफली ग्राइंड किया था, ये नहीं कि ज़्यादा बारीक नहीं पीस रहे हैं। उसके बाद छौंक के तैयारी करते हैं। तो ऑयल में सबसे पहले मैंने जीरा और तेज़पत्ता डाल लिया था, उसके बाद जो है मैंने ऐड किया इसमें ग्राइंड किया हुआ प्याज। मसाले वो सारे ऐड कर लेना जो भी आपके किचन में हों, और जब प्याज भुन जाए तो इसमें ऐड कर लेना टमाटो जो कि मैंने ऑलरेडी ग्रेट कर रखा था, और जब टमाटर जो है ऑयल रिलीज करना शुरू कर दे तब इसमें जो है मसालों में पानी डाल के वो ऐड कर दीजिए। तो जो मुझे ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे से पकने दीजिए। फिर मैंने इसमें जो है हाफ ए लेमन स्क्वीज किया था, और लास्ट में जो है जो सोया चंक हमने रफली ग्राइंड किया था वो ऐड कर दीजिए। सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो हस्बैंड को ड्यूटी जाना था इसलिए मैंने फटाफट टिफिन पैक कर दिया। जब बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आई तो ओबियसली बात है हस्बैंड को आएगी। प्रोटीन जो सोया चंक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और वेट लॉस के लिए सुपर्ब है। तो ये राइस के साथ खाइएगा आप, इसको राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय बाय।